खबर गाजीपुर जमाना से, जहां जहरीली शराब बनाने व बेचने के खिलाफ आबकारी विभाग ने जमाना क्षेत्र में शराब की दुकानों पर छापेमारी की, जहां जिला प्रशासन के निर्देश के क्रम में जमाना क्षेत्राधिकारी हितेंद्र कृष्ण के साथ आबकारी निरीक्षक राजकिशोर ने स्टेशन बाजार सहित कस्बा नगर स्थित देसी शराब की दुकानों पर छापेमारी की, जिससे शराब की दुकानों पर अफरा तफरी मची रही। इस दौरान दुकान में रखे शराब का स्टॉक रजिस्टर से मिलान किया और देसी शराब की कुछ सीसी को सील कर उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए अपने साथ ले गए। गौरतलब हो कि प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से हुई 6 लोगों की मौत के बाद आबकारी विभाग सहित जिला प्रशासन पूरी तरह से जहरीली शराब के खिलाफ कार्रवाई के लिए सक्रिय हो चुका है। क्षेत्राधिकारी हितेंद्र कृष्ण ने बताया कि जिले के उच्चाधिकारियों के निर्देश का पालन करते हुए ईंट भट्टों के अलावा देसी शराब की दुकानों पर छापेमारी की जा रही है, ताकि जहरीली शराब व तस्करों को पकड़ा जा सके। आगे भी छापेमारी के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। इस अवसर पर आबकारी निरीक्षक राजकिशोर के अलावा कांस्टेबल मोहम्मद सैफी, कांस्टेबल कलीम रजा, प्रवेश कुमार तथा उमा सिंह आदि पुलिस कर्मी मौजूद रहे। शराब बेचने की और उससे पी के मृत्यु होने की सूचनाएं प्राप्त है। इसी के क्रम में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में हम लोग जो देसी दुकानें हैं, लाइसेंसी देसी दुकानें हैं, वहां से सैंपल ले रहे हैं और उसकी जांच की जाएगी सैंपल की, कहीं कोई इसमें मिलावटी शराब तो नहीं बेची जा रही है। इसी के संबंध में आज ये कस्बा जमानिया की देसी शराब की दुकान में ये सैंपल यहां से कलेक्ट किया जा रहा है। वही नगर पंचायत सादात में धूमधाम से छठ पूजा मनाया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमिला यादव, प्रतिनिधि राजनाथ यादव ने बताया कि काली माता पोखरा घाट, शिव मंदिर पोखरा घाट, शीतला माता मंदिर, अमरिया कुटी एवं अन्य सभी घाटों पर घाटों की साफ सफाई के साथ सरकार की गाइडलाइन के अनुसार थर्मल स्कैनिंग की गई। मास्क, कप एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सभी घाटों पर किया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन भी मैं फोर्स के साथ सभी घाटों पर निगरानी कर रहा था। महिला पुलिस भी ड्यूटी पर तैनात थी। राजनाथ यादव प्रतिनिधि भी स्वयं सभी घाटों का निरीक्षण कर रहे थे। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता मनीष यादव भी अपनी टीम के साथ उक्त मौके पर लगे हुए थे। गाजीपुर जनपद से आजाद शाह के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट। Ha ha ha!